नमस्कार दोस्तों, यदि आपकी कोई वेबसाइट या ब्लॉग है और आप उस वेबसाइट या ब्लॉग का लिंक फेसबुक ग्रुप के अंदर जोड़ना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी फेसबुक ग्रुप के में अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का लिंक इसलिए जोड़ना चाह रहे हैं जिससे आपके फेसबुक ग्रुप के मेम्बर उस लिंक पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट या ब्लॉग पर विजिट करें, तो आज हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे हम फेसबुक ग्रुप के अंदर अपनी वेबसाइट या ब्लॉग का लिंक ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों आपको सबसे पहले लॉगिन हो जाना है अपनी फेसबुक आईडी के अंदर। यहाँ पर हम फेसबुक आईडी ओपन कर लेते हैं। दोस्तों फेसबुक आईडी लॉगिन होने के बाद आपको अपने ग्रुप का सेट ग्रुप के अंदर जाना है। ठीक है, तो आपका ग्रुप कौन सा है तो आप उसको ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर हम कर लेते ग्रुप को ओपन। दोस्तों यहाँ पर कोई फंक्शन अभी नहीं दिया गया है जिससे हम अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिंक को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी वेबसाइट ब्लॉग का लिंक ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक सेटिंग दी गई हुई है, आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पर आपको नेम एंड डिस्क्रिप्शन दिख रहा है और ये एडिट का एक चिन्ह दिख रहा है सिंबल, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नेम आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको इसके अंदर लिंक को ऐड करना है। तो आप हाइपरलिंक के थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर साइट को ओपन करते हैं। साइट को ओपन करने के बाद कॉपी करते हैं सिंपल सा और इसको पेस्ट कर देते हैं। और आप इसमें कुछ नाम देना चाह रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो विजिट वेबसाइट या ब्लॉग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पर इतना आपको करके यहाँ पर सेव इस कर सकते हैं। ठीक है, सेव इस करने के बाद अब आप अपना ग्रुप का प्रीव्यू देखेंगे हेडिंग में। तो यहाँ पर ग्रुप मैंने जैसे ही ओपन किया तो देखिए दोस्तों ग्रुप है। अब देखिए ये लिंक ऐसे जुड़ गया है क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन में ही जुड़ सकता है और फंक्शन नहीं दिए ग्रुप के अंदर वेबसाइट या लिंक को जोड़ने के लिए। अब जैसे ही आपके मेंबर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही वो रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपकी वेबसाइट पर। दोस्तों इससे बेनिफिट ये होगा कि आपके ग्रुप और मेंबर को आपकी वेबसाइट के बारे में पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वेबसाइट ब्लॉग पर लिंक करने से वो डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, आपको आपकी वेबसाइट ब्लॉग को फेसबुक के थ्रू भी आपकी वेबसाइट ब्लॉग को काफ़ी ट्रैफिक मिलेगा, जिससे यदि आपके लाखों ग्रुप मेंबर हैं, लाखों में आपके मेंबर हैं ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे विजिटर मिल सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, आप अपने और भी सोशल प्लेटफॉर्म को भी ऐड कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जैसे कि आपको यूआरएल कॉपी करना है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को सिंपल से आपको यूआरएल कॉपी करना है। यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको सिंपल से इसके अंदर पेस्ट कर देना है। एडिट में जाकर सेटिंग में आप जाओगे, फिर से यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर लिखना है फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पर डैश करके यूआरएल पेस्ट कर देना है और यहाँ पर सेव करोगे। सेव करने के बाद फिर से आप अपने ग्रुप के अंदर जाओगे डैशबोर्ड के और आप यहाँ पर इंस्टाग्राम का भी ऐड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो जैसे ही इस पे क्लिक करेगा यूजर तो आपको वो फॉलो कर सकता है इंस्टाग्राम पर भी, जिससे आपके इंस्टाग्राम के भी फॉलोअर बढ़ सकते हैं। तो ये थी वीडियो दोस्तों, ये जानकारी थी फेसबुक के अंदर हम अपने यूआरएल को कैसे ऐड कर सकते हैं या वेबसाइट को या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट का। तो आई होप आपकी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय।